नमस्कार JNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। आपको बता दें, व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज को किया सम्मानित। जनपद में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे लेकर दुकानों को बंद करने का आदेश प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था, जिसका पालन कराने के लिए नगर कोतवाली द्वारा अपने हमराइयों सहित शहर का भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया जा रहा था। साथ ही चौकी चौक प्रभारी महेंद्र द्वारा भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे। हालांकि उन्हें इस कार्य के दौरान दुकानों को चोरी छुपे खोलकर सामान बेचने वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखकर लॉकडाउन का पालन किया, उनके द्वारा चौकी प्रभारी की सराहना भी की गई। यही कारण है कि आज बिसातखाना लैया बर्तन गली के व्यापारियों द्वारा श्री महेंद्र कुमार के स्थानांतरण पर उन्हें यातायात प्रभारी अनिल कुमार की उपस्थिति में माला पहनाकर तथा साल उड़ाकर सम्मानित किया। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की एक रिपोर्ट। तो हम खड़े हैं चौकी चौक, जो नगर कोतवाली के अंतर्गत आता है। यहाँ के अभी तक इंचार्ज रहे महेंद्र कुमार, जिनका स्थानांतरण एसपी महोदय द्वारा नगर रामगांव थाने को किया गया है। इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ के व्यापारियों द्वारा आज उनसे कार्यकाल के दौरान उनसे खुश होकर के आज उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। आइए हम व्यापारियों से पूछते हैं कि आज जो महेंद्र जी को जो है सम्मानित किया गया है, वो क्या मामला है? आपका नाम? कुंवर सिंह। ये आज आपने जो है चौकी चौक इंचार्ज के स्थानांतरण पर आप व्यापारियों द्वारा उनको सम्मानित किया गया है, क्या मामला है? सर जी का कार्यकाल बहुत ही बेस्ट, मतलब बहुत ही सुंदर था। बहुत ही ढंग से इन्होंने व्यापारियों को समझा बुझा के लॉकडाउन का पालन कराया और ढंग से सबको जो है समानतापूर्वक जो है सबको बंदी में, मतलब बहुत कुल मिला के सब कुछ बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। मतलब उनके कार्यकाल से खुश होकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, सारे व्यापारी।